बीच हमारे पास एक बड़ी और अहम खबर आ रही है ऋषिकेश से, जहां पर आपको बता दें उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर की बेटी वो गंगा में डूब गई हैं। आपको बता दें कि ऋषिकेश में रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है, गोताखोर लगातार कोशिश में हैं और शाहिद मंजूर जो हैं वो भी ऋषिकेश पहुंचे हुए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर ऋषिकेश से, जहां पर यूपी के मंत्री की बेटी नदी में डूब गई है। तो यूपी के श्रम और मंत्री हैं शाहिद मंजूर, जिनकी बेटी आज गंगा नदी में डूब गई है। तो इस वक्त जो ऑपरेशन है, सर्च ऑपरेशन, वो लगातार जारी है। गोताखोरों की टीम लगातार लगी है और रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त लगातार जारी है। कैबिनेट मंत्री हैं शाहिद मंजूर, आपको बता दें ऋषिकेश वो भी पहुंच चुके हैं इस वक्त, और यूपी के मंत्री की बेटी इस वक्त नदी में डूबी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, यूपी के श्रम मंत्री हैं शाहिद मंजूर, जिनकी बेटी आज नदी में डूबी है। तो ऋषिकेश के फूल चट्टी स्थान पर आज सुबह वो गंगा में डूबी हुई है, और आपको बता दें कि इस इलाके से लापता बताई जा रही है, जिन्हें ढूंढने के लिए गोताखोर लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार कोशिश जारी है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ऋषिकेश से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर यूपी के कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर की बेटी डूब चुकी है और इस वक्त लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। फिर राफ्टिंग के दौरान ये लापता हुई हैं, फूल चट्टी इलाके से लापता हुई हैं, लगातार गोताखोर की टीम लगी हुई है ढूंढने के लिए। सर जो रेस्क्यू है वो भी इस वक्त पूरी तरीके से इनकी बेटी को ढूंढने में लगा हुआ है। तो ऋषिकेश से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, यूपी के मंत्री की बेटी नदी में डूबी है। आपको बता दें कि शाहिद मंजूर, जो कि उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री हैं, उनकी बेटी इस वक्त आपको बता दें नदी में डूबी है, जिनको ढूंढने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गोताखोरों की टीम लगी हुई है, फूलचट्टी इलाके से लापता हुई है और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तो गंगा में डूबी हुई है यूपी के मंत्री की बेटी।